तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे कारपेट हटाया तो देखो फिर फ्रेंड्स देखिए अभी बारिश बहुत तेज आ रहा है, धस गया है जमीन, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है चल के वो देखो। तो फ्रेंड्स अभी हाथ में रोटी दबोरे खा रहे हैं, ऐसे में जगह ही नहीं बचा है कहाँ बैठे। फ्रेंड्स देखिए अभी बारिश बहुत तेज आ रहा है, मैं मना कर रहा हूँ मत नहाओ, बट फिर भी मान नहीं रही है, और तबीयत खराब होगा तो मैं नहीं जानता भाई। देखो कैसे नहा रही है, इतना तेज बारिश, हवा भी चल रहा है बहुत तेज। आके इधर शैम्पू ढूंढ रही है, अभी जब ठंडा लगा ना तो 2 मिनट में अंदर आई। और सारा देखो घर में इधर से पानी आ रहा है, क्योंकि जो हवा है ना इधर की तरफ ही है, गेट बंद करने के बाद भी गेट से जो पानी छू छू के नीचे बह रहा है वो सारा इधर आ रहा है। देखो फिर कारपेट हमारा भीग जाएगा, कहाँ रखे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मानसी भी ओरियो मंगाए थे, ओरियो खा रही है, बारिश आना सोचो हम लोग चले आए, नहीं तो बारिश से भीग जाता है ना। तो फ्रेंड अभी थोड़ा थोड़ा बारिश खुल गया और इधर से सारा पानी इधर देखो गिर गिर के इधर कितना दरार फट गया, और इधर में देखो ये क्या भाई सारा इधर से बह बह के एकदम लेवाई हो गया, धान रोपा जाएगा। उधर मैं बर्तन रखी हूँ धोने के लिए, और उधर खेत का नजारा कुछ इस प्रकार का है, और इधर मैं नहा ली हूँ। तो फ्रेंड मैं नहा धोवा के मानसी पापा मानसी सोए हैं, मानसी जगह का तुम देख रहे हो, दरवाजा खोल के बाहर ले चल रहा था। तो फ्रेंड अभी मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ बाहर का क्या हालत हो गया है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए कैसे ये तो चलेगा, बाकी ये सब आप लोग देख सकते हैं कितना भयंकर तरीका से हालत खराब हुआ है। यहाँ पर इतना गड्ढा इतना सारा, और उधर खेतों में बहुत सारा पानी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से बहुत अंदर पानी जा रहा था हम लोग के रूम में, अभी भी बारिश आ रहा है, पानी में आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड्स अभी बारिश हो रहा था ना तो मैं जरा सो गया था थोड़ा सा, और इधर उठने के बाद देखा तो ये हाल हुआ, पूरा घर था एकदम से, पता नहीं मिट्टी क्यों पूरा ऊपर तक आ गया साइड साइड में, मेरा ही घर बचा। ये इधर से भी पानी आया था जबकि दरवाजा बंद था, है ना। और ये देखो ये पूरा पानी 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 पानी, इधर भी सारा पानी पानी हो गया, और ये यहाँ से मिट्टी पूरा निकल गया उधर बक गया, निकला कि ढालू का जाल। अब इसको अच्छे से ही बनाएंगे, अब बारिश खुलने दो, ऐसे बनाएंगे कि कुछ होगा नहीं इसका, ये तो बारिश पूरा बरसात बाकी है भाई, कैसे काम चलेगा। देखो पूरे उधर खेतों में पानी लग गया है, देखो बहुत तगड़ा पानी गिरा है ना। अरे भाई सभी मानसी रो रही थी बाहर आने के लिए, तभी लेके आए मानसी को, तो कह रही पाली ऐसे हाथ दिखा के, कहाँ है बेटा पानी बता दो। मानसी बेटा, बेटा जी, मानसी सोच में पड़ी है कि मम्मी पापा कितना गजन से रह रहे हैं, है ना। आप भी तो रह रहे हो ना। बहुत जल्द अच्छा वाला घर बन जाएगा तो मानसी खेलेगी उसमें, है ना। और देखिए पूरे रास्ते पे पानी पानी लगा हुआ है, इधर इधर हम क्या करें सोच रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा ये धस भी रहा है, मिट्टी भरा हुआ है ना मिट्टी, इस वजह से सोच रहे हैं थोड़ा सा गिट्टी है बालू है ढाल दें क्या पूरे द्वार। काजल मना करे, कह रहे नहीं गिट्टी हमारा इसमें क्यों लगाओगे, देखते हैं क्या करना है। फ्रेंड्स इतने मशक्कत के बाद अभी आलू मंगाए थे और बन रहा है भुजिया, आलू का भुजी और रोटी बनाए। इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ना बाहर आ सकते ना जा सकते, इतना ज़्यादा पानी पाक खींच क्या बताएं। और मानसी इतना दिक्कत कर रही है ना, बार बार रो रही है, जा रही है बाहर, जा रही है फिर आ रही है, और धोआ हाथ धोआ रही है बोले हाँ मुँह धो। देखो मानसी लाइट भी कटा हुआ अभी। तो फ्रेंड्स अभी हाथ में रोटी दबो रहे खा रहे हैं, ऐसे में चपेट के जगह ही नहीं बचा है कहाँ बैठे, इधर खटिया को भी अंदर के हैं क्योंकि बारिश में भीग जाएगा सड़ जाएगा, है ना। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे, सब कैसे करते तो ये नेक्स्ट डे और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए अभी कल के बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, धस गया है जमीन तो यहाँ पे पानी लग जा रहा है, और ये देखो क्या क्या आ रहा है चल के वो देखो। जबकि ये जो पानी का निकलने वाला था वो रास्ता मैंने जाम कर दिया, फिर भी सभी लोग अपना अपना खेत रोपने में लगे हैं। हम तो सोच में पड़े थे, एक दिन मैं 2 केकड़ा आया था घर में, आज घूम ही आ गया। अच्छा। देखो द्वारी पे क्या हाल हो, पूरी पूरी क्या बेटा साफ आया। अभी सारा घर को साफ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं, देखो पानी लाइए कायदा लिपेगी इसको।
हाँ। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे कारपेट हटाया तो देखो फिर से यहाँ चूहा बिल कर दिया। क्या है यार। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे माटी डाल दिया हम लोग, उसको अच्छी तरह से बैठा के फिर उसको सुराख जितने भी है मुन देंगे। बाकी यहाँ भी मिट्टी डालना है, यहाँ पे तो ज़्यादा लगेगा, बाल्टी बाल्टी से डाल रहे हैं देखो। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली यहाँ पे इतना सारा मिट्टी मैं वहाँ से ला के रख दिया, थोड़ा थोड़ा उधर से काट के वो काला वाला उधर से छाप दिया हूँ ताकि उधर से थोड़ा दबा दे वो। और बाकी काजल अभी अंदर का काम कर रही है, पूरा अंदर भी तो पूरा फंसक गया था ना, उसी को लिपाई पुताई कर रही है ना। हाय का बना बोलो सकल है हाय दरारी दरारी खानी तो भर और ईटा से कूच के उसमें ईटा से कूच देते खूब कस के ऐसे मेड़ बना देती है घर में देखो। फिर पानी आएगा वही रुक के फिर खदर देगा ऐसे, इसमें डाल के पूरा ईंट से मारो ताकि अंदर तक जाए, तब तो कोई दिक्कत है। इधर भी माटी डाला था मैंने, यहाँ पे सुराग हो गया था लिपो। अभी तक चाय भी नहीं बना है, करीब 8 बजने जा रहे, 8 बज गया होगा है ना, 8 बज गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने भर दिया सारा, इधर भी काजल ने लिप दिया सारा, और वहाँ पे इसलिए बोरा रखे है ना ताकि वो अभी ताज़ा मिट्टी है ना इसलिए उसको लिप नहीं सकते, इसलिए बोरे रख दिए उस पर ताकि तब तक वो अपना जगह बना ले। तो फ्रेंड्स अभी खाना बन रहा है हमारे यहाँ, सारा काम फिनिश कर देते हैं। बहुत थक गए दोस्तों, सुबह से उठ के काम में लगो, इधर लिपो उधर भरो उधर का सारा साफ करो, इतना टेंशन हो गया ना। उधर ईटा है थोड़ा सा, उसको जिसका खेत है उनको रोपवाना है, रेत हटाओ, इतना बहुत ज्यादा काम है। खुद फावड़ा बाहर ही है और बन रहा है आलू दम है ना, चावल बन रहा है, बाकी मसाला भी अभी नहीं पीसा। 10 बज रहा है अभी, क्या करे काम नहीं करते सुबह सुबह, तो अभी इसमें रहने का भी मन नहीं करता एक मिनट है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और मानसी अभी फर्स्ट टाइम मिल रही है, उसी टाइम से बेचारी चिल्ला रही थी कि सु हम लोग काम में थे तो नहीं उतारे, क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा इसको लग जाता है ना, धो धो छील लग गया, ये अलग पसंद करेगी। तो फ्रेंड अभी 11:30 बज रहा होगा और इस टाइम मानसिक पापा खाना खा रहे, लाइट नहीं है इसलिए यहाँ बाहर में खा रहे हैं, और देखो कैसे हो गए, एक ही दिन उनके काम में अभी पूरा हुआ नहीं है। देखो उधर थोड़ा सा ईंट पड़ा है, उसी को हटाना है, ये इनका खेत है आज रोपाएगा। और मानसिक उधर छिया कर रही है, छिया नहीं नौटंकी कर रही है, खाड़ा हो रही, मिट्टी लगे ना इसलिए। और हम लोग अभी खा रहे हैं और सब्जी वगैरह हम खा रहे हैं अपने। हाँ मानसिक पापा खा रहे हैं। कहाँ गई हो? वहीं खड़ी है। तो फ्रेंड्स अभी खाना खा लिए थे हम लोग, और काजल का भी थोड़ा तबीयत डाउन हो गया एक्चुअली। कल मैंने बोला था कि बारिश में मत नहाओ, कल का बारिश में नहाना, और आज और भी कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, और आज काम वाम इतना सुबह से लगे लगे हालत खराब हो गया, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। इतना सारा ये सिर दर्द कर रहा है, इतना शैम्पू भी नहीं था बॉडी जिसे नहाई है ना, बॉडी लोशन। अब हम सोच रहे हैं क्या किया जाए, अगर मान के चलो कि हम नोएडा भी चले जाते हैं तो उधर का जो घर बनवाने स्टार्ट किए थे उसका पता ना क्या होगा क्या नहीं, कोई देख नहीं। तो अभी देखते हैं क्या करना है। और इसी बात को लेकर हम दोनों में लड़ाई भी हो, मैं बोल रही थी चलो फिर ये भी सही बोल रहे हैं कि जाएंगे तो सारा सामान हमारा लूट के। सोचिए कि रहने के बाद भी ऐसा हाल है, और जब यहाँ पे रह रहे हैं तो भी एक दिन का बारिश इतना तबाही कर रहा है, तो नहीं रहेंगे लगातार बारिश होगा तो फिर क्या होगा, ये घर गिर जाएगा। और पहले का जो हमारा सरिया बचा है थोड़ा सा रॉड वो है, थोड़ा सा ईंट है, बालू गिट्टी सब कोई छोड़ेगा थोड़ा ना, तो इतना सारा सामान छोड़ के जाना भी अच्छा नहीं है, और दिन पे दिन सिचुएशन खराब ही होता जा रहा है। बेबी को खिला रही है पता नहीं क्या चीज। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो पाया, चलिए इसी के साथ, आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को देखे उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग प्लीज अच्छा अच्छा कमेंट करना, हम लोग ना बहुत ज्यादा टेंशन में आजकल रह रहे हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट में बताना, क्या करे। पहली बार ऐसा समय आया है जिस पल मैं भी उदास हूँ आज, नहीं तो हमेशा मुंह पे मुस्कान ही रहता था मेरा,
अभी भी मुस्कान ही है, कितना भी दिल में वो रहता है ना, मेरा आदत सी है मुस्कुराने की। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड वीडियो को ऐसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी, मतलब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा क्या करना चाहिए ना, और जो भी गलती सही हमसे हुआ वो उसको माफ कीजिएगा छोटा भाई बहन समझ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, वेलकम, इसे थाम समते। चलिए तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय। तो अभी मानसी रिकॉर्डिंग कर रही है वीडियो, आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे। बेटा आप वीडियो को एंड कर दो, ब्लॉग को एंड करो, लाइक से सब्सक्राइब करो दोस्तों को, बाय। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मानसी को पकड़ा गया, देखो क्या कर रही थी, अभी कैमरे लेके ऐसे ऐसे वीडियो बना रही थी और दिखा रही थी सब कुछ घर का, कि उधर चीटी है तो उधर कूलर चल रहा है, इधर खाना है, इधर दूध है, सब कुछ सब कुछ अपने से ही कर, देखो देखो ये ब्लॉग बना रही, देखो मानसी। दोस्तों से बोल दो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे थाम समथिंग।